नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नीमच जिले के जीरन थाने से, जहां जीरन थाने पर पदस्थ एएसआई प्रताप सिंह पवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही इस खबर पुलिस विभाग में पहुंची तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सीएसपी से लगाकर एडिशनल एसपी मौके पर जीरन पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी 3 दिन पहले ही जीरन थाने पर पदस्थ हुआ था और आज रात्रि में ड्यूटी करने के पश्चात जब विश्राम करने के लिए अपने आवास पर पहुंचा तो दोपहर अचानक ही अपने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद में पुलिस टीम सहित जीरन थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा है और वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई। हालांकि पूरे मामले में मौके से सारी जांच की जा रही है कि आत्महत्या का कारण क्या रहा है। फिलहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। 5 जून से अभी पदस्थ हुए थे। आज दोपहर में जिस घर में वो कमरे पे किराए से रह रहे थे वहाँ 12 बजे के बाद वो घर से नहीं देखे गए। जो घर की महिला हैं उन्होंने जब देखा तो दरवाजे के पीछे उनको संदिग्ध स्थिति में देखा, तो हमने बेटे को उन्होंने बुलाया। उन्होंने जब आके देखा तो प्रथम दृष्टया उनको लगा कि ये इनकी डेथ हो गई है। तत्काल इन्होंने थाने पे सूचना की। थाने से जब टीम आई तो उन्होंने देखा कि वहाँ खिड़की के पास उन्होंने एक तौलिया है, उस तौलिए से फांसी के फंदा बना के वहाँ पर अपने को आत्महत्या कर ली है। इनके बारे में जब जानकारी ली गई है तो अभी पूर्व में भी कुकड़ेश्वर और यहाँ पर पदस्थ रहे हैं, तो डिप्रेशन में थे ऐसी जानकारी उनके परिजनों ने और जो उनके साथ जहाँ काम कर रहे थे उनके द्वारा दी गई है। चूँकि अभी तत्काल मामला हुआ है, उनके परिवार के जन भी आ गए हैं, हम लोग उनसे जानकारी लेके और पता करेंगे कि किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु।